की तरह करगिल को भी दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी मांग जो है यहाँ पर रखी गई है हिंदुस्तान का तिरंगा लिए हुए ये लोग एक बहुत बड़ी दीवार जो है यहाँ पर रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में, मैं आपको थोड़ा विजुअल दिखा दूं, जनसैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है और करगिल से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत बड़ी डिमांड जो है वो ये रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं जो एक्स मिनिस्टर शेरिंग डोजे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने स्वागत किया इस फैसले का कि लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब जो है करगिल के लोग जो है जम्मू की सड़कों पर हैं और जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, बच्चे भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, जो एक ही डिमांड जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं, इंसाफ की मांग है और ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। काफी लोग जम्मू की सड़कों पर उतरे हैं और बार बार जो है ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है इंसाफ दिया जाए और हेडक्वार्टर जो है रोटेशनल बेसिस पर दिया जाए। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और बार बार एक ही गुहार जो है वो प्रशासन से लगा रहे हैं। जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, आपको तस्वीरों में दिखा दें, जन सैलाब करगिल से जम्मू की ओर रुख किया है और ये जन सैलाब जम्मू की सड़कों पर जो है वो उमड़ पड़ा है और ये चाहते हैं कि इनको हेडक्वार्टर जो है वो रोटेशनल बेसिस पे मिले, तो रोटेशन हो हेडक्वार्टर की और लद्दाख को जो है वो इक्वल शेयर जो है वो यहाँ पर मिले। और मैं आपको बता दूँ, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इक्वल शेयर की डिमांड कर रहे हैं। जैसा ही वो चाहते हैं कि जैसे लद्दाख एक इक्वल शेयर मिला, वही इक्वल शेयर जो है इनको भी मिले और इक्वालिटी की मांग जो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और इनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि ये हेडक्वार्टर जाए रोटेशनल बेसिस पे, इनसे बात करें। सर क्या कहना चाहते हैं, लद्दाख को डिविजनल स्टेटस का दर्जा मिल चुका है और अब लद्दाख के लोग सड़कों पर। डिविजनल का स्टेटस तो दिया गया है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन जो इंसाफ करना था वो इंसाफ नहीं हो गया करगिल के साथ। हमें रोटेशन पे चाहिए हेडक्वार्टर, हमारे साथ नाइंसाफी हो गया है। डिमांड करगिल का है और हेडक्वार्टर ले में दिया जाए। ये करगिल और ले के बीच में जो है दरार पैने के लिए पैदा करने की कोशिश है और इसके फायदा कोई नहीं। हेडक्वार्टर तो हमने लेके रहने अभी नहीं, तो हम जब गवर्नमेंट आएगा उस वक्त भी हम ले सकते हैं, जब सिविल गवर्नमेंट आएगा वहाँ भी लेके। लेकिन ये नाइंसाफी जो है हम इसको इजहार कर रहे हैं, हम इसको एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। गवर्नमेंट सवाल करते हैं कि ये चीज़ क्यों किया, हमारे बेचारे में हमारे वहाँ के माहौल में इस तरफ का क्यों डाला हमें, हमारे साथ गवर्नमेंट का हमारे साथ ये सवाल है। सर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं बच्चे सब यहाँ पर उतरे हैं एक डिमांड के लिए, तो क्या प्रशासन से मांग रही कि जल्द से जल्द किस तरह से इन लोगों की गुहार सुनी जाए। प्रशासन सुनना चाहिए, प्रशासन को सुनने के बगैर कोई चारा भी नहीं है। हम ये चीज हम छोड़ने वाला नहीं है, प्रशासन को आखिरकार उनको सुनना ही सुनना है। बहुत बड़ी मांग रही है यूनियन टेरिटरी की, उसके लिए कैसे संघर्ष करें। ले वालों का डिमांड है यूनियन टेरिटरी का, हमारा डिमांड नहीं है यूनियन टेरिटरी का, हमारा डिमांड है डिविजनल का हेडक्वार्टर हमको बराबर का चाहिए। ले में 6 महीना, करगिल में 6 महीना रोटेशन बेस पे रहना चाहिए। तो इनके साफ तौर पर कहना था कि इनको जो है वो एक रोटेशनल बेसिस पर हेडक्वार्टर चाहिए और एक बहुत बड़ी डिमांड है इनकी ये भी है कि ये चाहते हैं कि इक्वल शेयर हो, हेडक्वार्टर जो है इनको भी मिले और रोटेशनल बेसिस पर। आप देख लीजिए जनसैलाब जम्मू के
सड़कों पर उतर गया है और हिंदुस्तान का तिरंगा लहराए हुए ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, लेकिन हाँ अपनी मांगों के लिए आज जम्मू की सड़कों पर उतरे हैं। और काफ़ी तादाद में मैं आपको दिखा दूँ, लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जन सैलाब जो है वो जम्मू की सड़कों पर उमड़ पड़ा है और इंसाफ की मांग जो है वो ये लोग कर रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है हेडक्वार्टर रोटेशनल चाहिए, एक जगह पर हेडक्वार्टर नहीं चाहिए, डिमांड इनकी थी, लेकिन फुलफिल जो है वह अदा की गई। तो वही डिमांड लेकर ये लोग आज जम्मू की सड़कों पर उतरे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, यानी कि करगिल के नागरिक आज जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए और यहाँ पर डिमांड करते हुए कि लद्दाख को अपने डिविजनल स्टेटस दे दिया। और यहाँ पर लिखा गया लद्दाख इक्वल्स टू करगिल प्लस ले, तो उन्होंने ये भी कहा है कि रोटेशनल हेडक्वार्टर की बहुत बड़ी डिमांड जो है वो यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर कहा ये भी कहा कि इक्वल शेयर फॉर करगिल इन डिविजनल स्टेटस, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना आप बंद कीजिए। और सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर करगिल से लोग आए हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर पूरी की गई अच्छे से एक मांग थी, लेकिन अब करगिल के लोग जो है वो जम्मू की सड़कों पर चाहते हैं कि हेडक्वार्टर जो है वो रोटेशनल हो। ऐसे ताज़ा अपडेट के साथ वीडियो जाने के साथ मैं